उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में केंद्रीय राज्य मंत्री के बेटे ने चार निर्दोष आंदोलनकारी किसानों को अमानवीय तरीके से कार से कुचलकर मार डाला। उनके विरोध प्रदर्शन में हिंगना में राका की युवा नेता जिला परिषद सदस्य दिनेश पंग के नेतृत्व में 5 किलोमीटर की बाइक रैली कर बंद का समर्थन किया। बाइक रैली में राकपा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और शिवसेना के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। रैली का समापन छत्रपति शिवाजी महाराज और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनकी मूर्ति को माल्यार्पण करते हुए दिव्यंगत किसानों को श्रद्धांजलि देते हुए किया गया तथा केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करे ऐसी आशा करते हुए एक निवेदन हिंगना तहसीलदार के माध्यम से पंत प्रधान को दिया गया। हिंगना तालुका में महाविकास अघाड़ी द्वारा बुलाए गए बंद को मिली जुली प्रतिक्रिया मिली। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष नाना गावंडी, राकपा युवा नेता जिला परिषद सदस्य दिनेश पंग, जिला परिषद सदस्य रश्मि कोटगुले, जिला परिषद सदस्य संजय जगताप, जिला परिषद के पूर्व सदस्य बाबा अष्टनकर, राकपा तालुका अध्यक्ष प्रवीण खाड़े, शिवसेना तालुका प्रमुख रवि जुड़ांगली, पूर्व सभापति बबनराव आवले समेत राष्ट्रवादी कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और शिवसेना के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद थे। कभी पर्यंत आपण हा अत्याचार सहणार आहे? आपण कृषी प्रधान देशातले लोक आहोत आणि आज जर आपण जागे झाले नाही, आज ह्या लोकांना जर आपण त्यांची जागा दाखवली नाही तर आज आपल्या पुढे हे लोक आपल्याला असंच पूर्ण चिरडून टाकतील आणि आपल्याला असा अन्यायाशी लढा करावा लागेल। म्हणून माझी सगळ्यांना विनंती आहे की आता जागे व्हायला हवं आणि यांच्या विरुद्ध आपल्याला लढा द्यायलाच हवा, याच्यासाठी सगळ्या जनतेने जागा व्हायला पाहिजे, एवढीच विनंती मी सगळ्यांना करते। त्यांची गाडी चालवण्यात आली आहे। आपला भारत देश हा कृषी प्रधान देश आहे। आपले पोशिंदावर जर असा अत्याचार होत असेल तरी आपल्याला थोडी लाज वाटायला पाहिजे। आणि ज्यांनी असा अत्याचार घडून आणला त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई व्हायला पाहिजे। त्याच्या निषेधार्थ आज महाविकास आघाडी आणि महाराष्ट्र बंद असा आम्ही निषेध केला। ज्यांनी हा गुन्हा घडून आणला त्याला खरंच योग्य हा धडा आपण शिकवला पाहिजे। महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून लखीमपूर खीरी उत्तर प्रदेश या ठिकाणी योगी साहेबांच्या नेतृत्वात जे सरकार सुरू आहे त्या सरकारमध्ये असलेले त्यांचे हितचिंतक लोक, देशाचे गृहमंत्री, गृहराज्यमंत्री, त्यांच्या मुलांनी शेतकरी जे आंदोलन करत होते, आपल्या हक्कासाठी लढत होते, त्यांच्या अंगावरून गाळ्या चालवून त्यांचा वध केला, त्यांच्यावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल व्हावा। तीनों पक्ष के ओर से महाराष्ट्र बंद रखा गया है। लखीमपुर खीरी यहाँ पे हुए हुए हत्याकांड के लिए जो महाराष्ट्र राज्य जो सेंट्रल गवर्नमेंट में है गृह राज्य मंत्री उनकी जो बेटी ने निर्दोष जो हत्या की है लोगों की, उस हत्या के लिए उस लड़के को, गृह मंत्री के लड़के को फांसी की शिक्षा होना चाहिए और उन्हें अपना तत्काल पद का राजीनामा देना चाहिए। यही मेरी ये आज के इस वक्त से बोल के तीनों पक्षों के वक्त से मैं बंद का आह्वान के लिए जो सहयोग लोगों ने हमको किया उनका भी मैं बहुत बहुत आभार हूँ। बंद का आह्वान संपूर्ण महाविकास आघाड़ी वती कर लखीमपुर खीरी ये जो हत्याकांड हत्याकांडा निषेधार्थ हे महाराष्ट्र बंदचं आंदोलन करण्यात आलं। संपूर्ण भारतामध्ये 1-2 वर्षापासून शेतकऱ्यांचं त्यांच्यावर झालेल्या अन्यायाच्या विरोधात जे आंदोलन सुरू आहे त्याच्यामध्ये 250 लोक मरण पावले आतापर्यंत। त्या 250 लोकांचा जो बळी गेला त्याचासुद्धा गुन्हा ह्या भारताच्या जो गृहमंत्री आहेत अमित शाह यांच्यावर गुन्हा दाखल व्हावा। लखीमपूर येथील जे हत्याकांड झालेलं आहे त्या हत्याकांडाला दोषी हे सरकार मोदी सरकार आहे आणि त्या गृहमंत्र्यावर तो सुद्धा गुन्हा दाखल होऊन त्या शेतकरी बांधवांना न्याय द्यावा। BCN न्यूज के लिए हिंगना से आशीष कोंडाने की रिपोर्ट।